हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको मशरूम पुलाव बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए ये वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम जायकेदार रेसिपी लेके आते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, मैं रिफाइंड का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल या घी भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता और 1 सूखी मिर्च ऐड करेंगे। इसे मिलाएंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 स्टार फूल ऐड करेंगे। इसे मिलाएंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, मीडियम साइज के 2 प्याज लिए मैंने। और प्याज को हमें जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। पहले इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अच्छे से मिला लिया है। इसके अंदर हम 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को मिलाएंगे अच्छे से। और प्याज का जब तक कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा भूरापन ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई होने देंगे। ये देखिए आप, इसका कच्चापन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक बार इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए हल्का सा कलर आ चुका है इस पर। और इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें लिए मैंने स्वाद अनुसार। इसके अंदर हम ये 2 टमाटर मीडियम साइज के लिए है मैंने, इसे ऐड करेंगे। इसके अंदर हम मशरूम ऐड करेंगे। ये 1 पैकेट मशरूम है जो सब जगह मिल जाता है आसानी से, लगभग आप इसे 200 ग्राम मान लीजिए। इसको मिलाएंगे अच्छे से। अच्छे से मिला के इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम इस तरीके से ही फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने देंगे। ये मैंने लगभग 1 मिनट इसको इस तरीके से फ्राई किया है। इसको मिलाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा मतलब इसे भून लेना है आपको। अच्छे से मिला लिया। इसके अंदर हम 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये इस पुलाव में बहुत अच्छा स्वाद देता है, आप एक बार ट्राई जरूर करके देखना इस तरीके से। ये देखना बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है ये। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया मैंने इसको। इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। ये बासमती कच्चा चावल है, ये लगभग 300 ग्राम चावल है। इसको मैंने 15 मिनट पानी भिगो के रखा था। इसको मिलाएंगे अच्छे से और 20-30 सेकेंड इसको ही भूनेंगे अच्छे से, मिलाते भी रहेंगे, भूनते भी रहेंगे इस तरीके से। और अच्छे से मिला के इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अगर 300 ग्राम चावल है आपका तो आप इसमें 600 ग्राम पानी ऐड कीजिए। चावल से डबल पानी रखें। अगर आपका 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। और इसको मिलाएंगे अच्छे से और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मिला लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा अलग से स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अदरक की स्लाइस ऐड करेंगे। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और इससे स्वाद भी बढ़ जाता है काफ़ी। इसमें इन्हीं मसालों के फ्लेवर आते हैं। हम ज़्यादा पिसे हुए मसाले तो इसमें यूज हमने किए ही नहीं बिल्कुल भी, और फिर भी इतना स्वादिष्ट पुलाव बनता है ये। नमक चेक कर लेते हैं। नमक मेरे हिसाब से ठीक है। अब इसे हम ढक के कुक करेंगे लगभग 8 मिनट तक। ये 8 मिनट तक मैंने ढक के कुक किया है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 90% ये हमारा चावल पक चुका है। एक बार जो इसका गीलापन है, अभी हम इसमें दम लगाएंगे तो ये अच्छे से ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। एक बार आप देख लीजिए, इसको एक बार मिला के अच्छे से देख लेते हैं कि तले में लगा तो नहीं। और ऊपर से हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। उसके 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल 15 मिनट मैं इसे रखूंगा ऐसे। और जो ये होल है इसके अंदर हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और जल्दी कुक होगा। ये देखिए मैंने इसको 8 मिनट तक ही लो आंच पे रखा था, गैस बंद कर दिया। उसके 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और ये मशरूम पुलाव तैयार हो चुका है। और मैं आपको चावल दिखाता हूँ, आप देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। और चावल देखिए कितने खिले खिले आए हैं। ये देखिए आप, बहुत ही लाजवाब पुलाव बनता है ये। आप एक बार ट्राई जरूर करें इसको इस तरीके से बना के, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। देखिए आप, मैंने धीमी आंच पे इसको सिर्फ 10 मिनट तक 8 मिनट तक कुक किया है। उसके बाद गैस बंद करके 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो थोड़ा सा हल्का सा और ठंडा होगा तो ये और खिले खिले चावल आएंगे। ये देखिए आप,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनके ये चावल आया है, तो एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए आपको इसको ये। और ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इस पर। अब ये पूरी तरीके से तैयार हमारा मशरूम पुलाव हो चुका है, खाने के लिए एकदम तैयार है। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई हमने ज़्यादा सिंपल मसालों के साथ बनाया है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। और मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ जिससे किचन में आपका टाइम बचे और आप बिल्कुल आसानी से रोज़मर्रा के खाने अच्छे से बना सके। और ये बिल्कुल सिंपल पुलाव है, आसानी से बन जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। और अपनी राय जरूर दें कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।